तो दर्शकों, डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी जिस बीमारी का हमसे विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, तो इसकी जो सबसे गंभीर अवस्था है वो आत्महत्या का विचार, और केवल विचार ही नहीं, कई बार व्यक्ति इसमें कामयाब भी हो जाता है, तो समय रहते इसमें इलाज या उपचार की नितांत आवश्यकता है। पर सर, जिस बीमारी का आप जिक्र कर रहे हैं उसके कारण क्या हैं? इसके कारण भी अलग स्तर पर, सबसे पहला कारण जो कि हमारी बाकी शारीरिक बीमारियों में भी पाया जाता है, वो है आनुवंशिकता, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। आपके परिवार में यदि किसी सदस्य को ये बीमारी हो तो उनके उनके बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा हद तक पाई जा सकती है। दूसरा, इसका जो मुख्य कारण आजकल माना जाता है वह मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स, या जिन्हें हम केमिकल्स कहते हैं, जिन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उनकी कमतरता, ये इस बीमारी का मुख्य कारण है। जिस तरह व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन कम हो जाने से उसे शुगर हो जाती है, उसी तरह व्यक्ति के मस्तिष्क में ये सेरोटोनिन डोपामिन नाम के केमिकल्स कम हो जाने से उसे डिप्रेशन होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें व्यथित कर देती हैं। किसी की नौकरी चली जाती है, किसी को व्यापार में नुकसान हो जाता है, किसी को प्रेम प्रकरण में विफलता हाथ लग जाती है, किसी का मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और वो कई महीनों के लिए बिस्तर पर हो जाता है, किसी की ज़िंदगी में किसी गंभीर बीमारी का निदान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हादसे जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को, हमें विचलित करते हैं। इस प्रकार के हादसे भी इस बीमारी को जन्म देते हैं।